क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे DR 1091 क्वेश्चंस को, क्वेश्चन को इसमें ये बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, वो प्रोजेक्टाइल अपना प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ पे जा रहा था। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो टाइम बताओ जिस समय टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स जो हैं एक्सेलरेशन के, मीन्स जो एक्सेलरेशन का, जैसे सपोज अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है ठीक इधर इस तरफ, इसका ये मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है सपोज कुछ भी, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ये होगा और नॉर्मल कंपोनेंट ये होगा, ये दोनों मेरे बराबर हो जाए ठीक। तो अगर हम अगर एक रफ स्केच खींचे तो ऐसी पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, जब मेरा नेट एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो जी हो जाए ठीक, टोटली डाउनवर्ड, तभी जाके इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट जो जी साइन थीटा है और एक मेरा क्या होगा जी कॉस थीटा, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब मेरा एंगल 45 डिग्री का हो ठीक। इतना तो हमको क्लियर हो गया कि अगर मेरा एंगल 45 डिग्री का होगा तो दोनों के दोनों बराबर होंगे। अब हमसे फर्दर ये क्वेश्चन है कि आर द सेम, हाँ टाइम निकालना है। अब देखिए अगर हमको टाइम निकालना है तो हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि इस पोजीशन पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है। तो अगर हम देखें तो वेलोसिटी मेरा हमेशा इस जी साइन थीटा के डायरेक्शन की तरफ ही रहने वाली है, वेलोसिटी का जो मेरा वेक्टर है वो मेरा जी साइन थीटा के डायरेक्शन के वेक्टर के वो तरफ ही रहने वाला है। तो या इसके अपोजिट हो सकता है नहीं तो इसके साथ हो सकता है, लेकिन रहेगा तो ये जी साइन थीटा के ही डायरेक्शन की तरफ। और हमको अच्छी तरह मालूम है कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल के अंदर वो मेरा कांस्टेंट होता है, मतलब थ्रू आउट द मोशन मेरा वही रहेगा क्योंकि मेरा मतलब उस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगता है। तो अगर मेरा ये बात अगर सब चीज़ सही मानते हैं तो अगर इसको 10 लेते हैं तो ये जो वी है वो कितना हो जाएगा, अगर इस वी की बात करें तो मेरा कितना हो जाएगा, दिस वी कॉस 45 डिग्री इज इक्व टू 10, तो वी इक्व टू कितना आ गया 10 रूट अंडर 2। अगर वी इक्व टू 10 रूट अंडर 2 आ गया तो जो मेरा दूसरी वाली वेलोसिटी है, जो ये वाली वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में जो g की तरफ इंडिकेट कर रही है, उधर की जो वेलोसिटी होगी वो भी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा 10 मीटर पर सेकेंड अगर इसकी वेलोसिटी इधर भी आ गई तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं निकालने की कि अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा कुछ यहाँ से, इस तरह से मेरा प्रोजेक्ट किया गया है v वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में मेरा 10 है और इस डायरेक्शन में मेरा 20 है, ये मेरा क्वेश्चन में अब मेंशन है ठीक, कि ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है। तो अगर आप देखिए तो ये 20 से 10 हो गया वेलोसिटी और ये 10 का तो 10 ही रहेगा। तो अगर हम सिंपली s इक्व टू यू प्लस जी टी, वो वाला जो इक्वेशन है u इक्व टू v इक्व टू u माइनस जी टी अगर लगाते हैं तो वहाँ से हमारा क्या होगा, अब देखिए इस दोनों वेलोसिटी के डायरेक्शंस में चेंजिंग है। तो अगर हम इसको लेते हैं 20, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को निगेटिव मानते हैं तो हमें क्या हो जाएगा माइनस 10 और ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस 10, ये हो जाएगा जी प्लस जी टी, नीचे वाले को निगेटिव लिए माइनस जी टी ठीक। तो नहीं सॉरी ये मेरा क्या है कि अगर हम इधर मेरा 20 है और यहाँ मेरा 10 हो रहा है, तो अगर हम इसका टाइम कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो मेरा फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी ये है, मेरा इनिशियल वेलोसिटी ये है, नीचे वाले को अगर हम निगेटिव कंसिडर कर रहे हैं तो माइनस 10 इज इक्व टू 20 माइनस जी टी, ये होगा मेरा। तो अगर हम फिर फर्दर किए हैं तो ये मेरा 30 इज इक्व टू माइनस ऑफ जी टी माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल, जी से जीरो कैंसिल, मीन्स टी इक्व टू कितना आया 3 सेकेंड, टी इक्व टू 3 सेकेंड आया, मीन्स एक टाइम तो मेरा निकल गया टी इक्व टू 3 सेकेंड। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर ये पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो ये प्रोजेक्टाइल में इधर भी किसी एक पोजीशन पे होगी जो यहाँ पे इसको लगेगा, ये अगर मेरा अगर इधर जी लेते हैं, अगर इधर मेरा अगर जी बाई रूट अंडर 2 हो जाता और इस डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी का वेक्टर आ जाता, तब भी तो ये दोनों के दोनों मेरे वैलिड कंडीशन ही है ठीक, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो सारी चीज़ें लगभग से सेम तरह से एक्ट करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर होगा, यहाँ v इसी डायरेक्शन में था g साइन थीटा के और यहाँ पे v का डायरेक्शन थोड़ा उल्टा हो गया, g साइन थीटा का डायरेक्शन इधर हो गया।
लेकिन बाकी चीजें अगर हम देखें तो अब हमको यहां पे भी वेलोसिटी मेरा क्या होगा, इस डायरेक्शन में मेरा 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा और इस डायरेक्शन में भी मेरा 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में ये जो जी साइन थीटा का डायरेक्शन है वो हमको क्या बता रहा है, एंगल के बारे में नॉलेज दे रहा है कि वी वी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मतलब किस तरह के एंगल के, मतलब अपने एक्स और वाई एक्सिस वाले वेलोसिटी से किस एंगल पे ओरिएंटेशन ओरिएंटेड है उसके, उसका हमको ये पता चल रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से मेरा सिंपली ना कोई पॉजिटिव ना कोई निगेटिव, सारा का सारा पॉजिटिव, सिर्फ ये निगेटिव, तो मेरा कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10 माइनस जी टी। हम इस वाले की निकाल रहे हैं ए और ये बी, ये मेरा बी के लिए है और ये मेरा ए के लिए है। अगर हम ए के लिए देखें तो यहाँ से मेरा टी इक्वल टू कितना आ जा रहा है 1 सेकेंड। अब मेरा टी इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया तो हमारे पास कितने आंसर हो गए, दो आंसर हो गए, एक तो मेरा टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये काम होगा और एक टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे मेरा ये काम होगा। ठीक, बेसिकली यही है इसमें कि हम लोग मेनली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मेन फर्स्ट जॉब है मेरा एंगल, किस एंगल पे मेरे सारे के सारे वेक्टर ओरिएंटेड होंगे, मेरा मीन्स मेरा वेलोसिटी वेक्टर ओरिएंटल, फिर ये मेरा जी और बाकी चीज़ें किस तरह से ओरिएंटेड होगी, बस इस चीज़ पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। बाकी हमारा मेन काम क्या है कि जो टाइम निकालना है तो हमको इधर की वेलोसिटी मालूम है और इधर की वेलोसिटी अगर हमको मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इसके कारण हम ये थीटा का जो जो मेरा प्रॉब्लम था उसको हम यहाँ से सॉल्व कर लिए और यहाँ पे मेरा डायरेक्शन एक करके हम बस थीटा का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए और वहाँ से हमको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई। इनिशियल वाई मालूम था तो हमको टाइम मिल गया कि कहाँ कहाँ ये दोनों चीज़ें होंगी, बस सिंपल।